एज यानी जब बच्चे में मेंटल और फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, और ये टीनेज का फेज 13 से 19 तक की एज में होता है। जब बच्चा टीनेज में होता है, बहुत बार पेरेंट्स उनके बदलते व्यवहार से परेशान रहते हैं। मतलब बच्चा छोटा होता है तब वो चुपचाप मम्मी पापा की सारी बातें मानता है, लेकिन जैसे बड़े होने लगता है बच्चे काफी आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं छोटी छोटी बात पे। बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स की वजह पढ़ाई होती है। छोटे बच्चे को मम्मी डांट के खुद पढ़ा सकती है, या कई बार छोटे बच्चे प्यार से बोलने पर भी सब बातें मानते हैं। लेकिन जब बच्चा टीनेज में हो उसे मारने का कोई मतलब ही नहीं होता है, उल्टा बच्चे को ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कुछ नहीं सुनेगा। तो बच्चे को कैसे समझाएं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज के वक्त काफी बच्चों के मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, इसीलिए बच्चे या तो अकेले रहते हैं या फिर किसी केयर टेकर के पास होते हैं, जिस वजह से पेरेंट्स बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते और फिर बच्चे अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चा छोटा होता है जब उसका पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन बच्चा बड़ा होने लगता है तब कुछ पेरेंट्स किसी वजह से बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरे दिन में से आधा घंटा तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि बच्चे की और पेरेंट्स की बॉन्डिंग हमेशा अच्छी बनी रहे और फिर बच्चा भी आपसे हर बात फ्रीली शेयर कर सकेगा। टीनेज बच्चे में 4 प्रॉब्लम जरूर दिखते हैं, आर्ग्यूमेंट, एंगर, रूडनेस और अलोननेस। और ये 4 प्रॉब्लम्स क्यों और किस वजह से होते हैं और इसे कैसे सॉल्व करें वो आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले बात करते हैं बच्चों के 4 प्रॉब्लम्स की। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसके साथ पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती है उन्हें संभालने की। तो ये 4 प्रॉब्लम्स जानने के बाद उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगी। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ज्यादातर तब होती है जब दो लोगों की सोच नहीं मिलती है। जैसे अलग जनरेशन होने की वजह से पेरेंट्स और बच्चों की सोच मिलती नहीं है, इस वजह से बच्चे की सोच पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते और पेरेंट्स की सोच बच्चे नहीं एक्सेप्ट करते, फिर ऐसी कोई सिचुएशंस में बच्चा बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगता है। आर्ग्यूमेंट करने में बच्चे ने खुद ज्यादा बोल दिया हो तो मम्मी पापा डांट देते हैं, उस वजह से बच्चों को गुस्सा आ सकता है, या फिर टीनेज के बच्चों को कई बार सोच होती है कि वो जो करेंगे सही है, इसीलिए किसी ने उनको कोई एडवाइस दी हुई है तो उनको पसंद नहीं आती और फिर उस बात पे भी बच्चे को गुस्सा आ सकता है। रूडनेस। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि बच्चे बचपन में मम्मी पापा की सब बात सुन लेते हैं, लेकिन जैसे बड़े होने लगते हैं वो खुद की ही मन की करना चाहते हैं, जिससे आप बच्चे को बोलेंगे अभी टीवी बंद करके सो जा तो 4-5 साल का बच्चा सुनेगा, लेकिन 13-14 साल के बच्चे को सेम बात बोलेंगे तो वो कई बार सुनेगा नहीं और फिर उस बात पे डांट पड़ती है तो वो भी रूडली बैक आंसर करेगा। अलोननेस। बच्चा छोटा होता है तब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त पेरेंट्स के साथ बिताता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने लगता है तब बच्चे का बहुत सा टाइम स्कूल, ट्यूशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जाता है। फिर जितना वक्त घर पे रहता है बच्चा अपने आप वो पेरेंट्स से दूर रहना चाहता है, मतलब मम्मी पापा के साथ फैमिली फंक्शंस पे जाना पसंद नहीं आता है, उसके सिवा शायद मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जाना पसंद नहीं आता होगा। बचपन में पेरेंट्स बच्चों को पार्क, मॉल्स ले जाके या फिर अलग अलग गेम्स खेल के उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों की पसंद बदलती है। अब उन्हें पार्क जाना और बचपन की गेम्स नहीं पसंद आती है और इस वजह से वो अकेला रहना पसंद करते हैं। अब ये 4 प्रॉब्लम्स बहुत बार टीनेज बच्चों में दिखाई गई है, तो अब इस पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बस इतना है कि मैं जो 5A वाले पॉइंट्स बताने वाली हूँ सिर्फ उसे फॉलो करे तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो जानते हैं अब कि वो 5A वाले पॉइंट्स कौन से हैं। एक्सेप्ट। जब बच्चा आर्ग्यूमेंट करता है काफी पेरेंट्स वो सुन ही नहीं पाते हैं और बच्चे को डांटते हैं या फिर मारते हैं, लेकिन ऐसा करना सही है? डराने से बच्चा सुनता नहीं है पेरेंट्स की, उल्टा उनसे दूर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को जो बच्चा बोल रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाने के बाद बच्चे को समझा सके और उसकी गलती थी या फिर उसे क्या गलत बोला। शांत माइंड से काफी बातों का सोल्यूशन इजीली मिलता है। काम की तारीफ करना। बच्चा छोटा होता है तब उसके छोटे से छोटे बात की तारीफ की जाती है, जैसे बच्चे का पहली बार बोलना, चलना, खुद का नाम लिखना, सीखना, ये सब बताओ की तारीफ की जाती है। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद ही आप वैसे ही उसकी तारीफ करें, ताकि बच्चा खुश होगा और उससे ज्यादा एनकरेजमेंट भी मिलेगी आपकी तारीफ से। लेकिन ध्यान रखे कि आपको बच्चे के एफर्ट्स की तारीफ करनी है। एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा ऐसे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया तो उसे ये ना कहना कि तुम इंटेलिजेंट ही हो, ऐसा करने से बच्चे को खुद पे ज्यादा गर्व होगा। उल्टा उससे आप ये कह सकते हैं कि
तुम रोज न्यूज़पेपर्स और बुक्स पढ़ते हो, इसीलिए आज तुम्हारा ऐसे कॉम्पिटिशन में फर्स्ट नंबर आया। ऐसा कहने से बच्चा अपनी अच्छी आदतें कंटिन्यू भी रखेगा। एडवेंचर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़े होने के बाद बच्चों को पार्क, गेम्स, मॉल जाने ये सब इतना पसंद नहीं आता, इसीलिए कई बच्चों को एडवेंचरस पिकनिक, ट्रैकिंग या फिर व्हीकल चलाना ज्यादा पसंद आता है। तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वीकेंड के दिन बच्चों के साथ कोई एडवेंचर वाली प्लेस चाहिए या फिर लॉन्ग ड्राइव पे घूमने ले जाइए। इससे बच्चे के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड होगा और उसकी एंजॉयमेंट भी होगी। अगर आप बच्चे को अकेले जाने देंगे फ्रेंड्स के साथ, तो हो सकता है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाए, फ्रेंड्स अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। दूसरों से एडवाइस ले। कुछ बच्चे काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं कि पेरेंट्स कितना भी समझाए वो सुनते नहीं है। तो ऐसे वक्त में पेरेंट्स को भी टेंशन आता है कि क्या किया जाए बच्चों को सुधारने। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चों को किसी ऐसे इंसान से मिलवाइए जिसका प्रभाव काफी अच्छा है। जैसे आपके रिलेटिव्स में कोई हो, उससे बच्चे की काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो उस इंसान से कहे कि बच्चे को एडवाइस देने, फिर वो एडवाइस पढ़ाई, एग्जाम, करियर, पेरेंट्स के बिहेवियर कोई भी हो सकती है, या फिर बच्चे को किसी काउंसलिंग सेशन में ले जाइए, क्योंकि काउंसलर्स की बातें काफी इफेक्टिव होती है और इस तरह से बच्चे को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। अपने टीनेज बच्चों के व्यवहार के साथ डील करने से वे चार बातें ध्यान में रखें, जिससे बच्चे और पेरेंट्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी और बच्चे डिसिप्लिन भी सीखेंगे। कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, उसे जिस तरह का प्यार, केयर और घर का एनवायरनमेंट मिलता है वही बच्चा सीखता है। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।